चल बैठ के हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग इज माय वॉइस क्लियर टू यू चिल्ड्रन एम आई ऑडिबल टू यू Am I audible to you, children? Yes, ma'am. If my audio and video is clear to you, just give me a thumbs up. Oh, I'm fine. Kumar? Present, bachche? Okay. So, children, in the session, we'll be continuing to the chapter. Children, I request you all to come to page number. Page number 21. Please come to page number 21. Open your textbook. Okay, ma'am. When you are on page number 21, give me a thumbs up. Yes, ma'am. Look at it. Ma'am, hold it. Let me be very clear to you. This was, I had started the system of writing on the blackboard. Because summer vacation, you need to understand when I write TV on the blackboard. This needs to be done in your textbook only. If there are further notes to be given to you, that have to be written in the classwork notebook. I will mention, instead of TV, I will write classwork notebook. Okay? Okay. Hold on. ठीक है बच्चे लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड प्लीज कम टू पेज नंबर 21 आर यू ऑल ऑन पेज नंबर 21 आर यू ऑल ऑन पेज नंबर 21 ओके नाउ चिल्ड्रन इन द प्रीवियस सेशन आई हैड एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज प्रिंट्स आई हैड आस्क्ड यू टू राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट इट इन योर क्लासबुक नोटबुक एंड देयर वर फ्यू Children who wanted to give their own examples for hot water spring, ठीक है बच्चे? और textbook में ही मैंने आपको ये activity करने के लिए बोला था, like on the top of the page of 21, page number 21, there's an activity. जो भी water sources आपको, ये artificial और natural, जो भी आपको आपके घर के आसपास या घर के अंदर मिलते हैं बच्चे, उन्हें आपको tick करना था. तो have you done this activity? Yes, Have you done this activity, children? Yes, ma'am. Yes. Now, in the comment section, you have to type. अच्छे जिन जिन ऑप्शन पे आपने टिक किया है, प्लीज उसे टाइप करें. जिन जिन ऑप्शन पे आपने टिक लगाया है, the sources of water, whether artificial or नेचुरल जो आपके घर के अंदर या फिर घर के बाहर मिलते हैं आपको आपने उस पर टिक किया होगा तो प्लीज मेंशन दोस नेम्स इन द कमेंट सेक्शन बच्चे यू डू नॉट ओके गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डू नॉट एंड प्लीज योर अटेंडेंस विल बी टेकन बाय अस आफ्टर द क्लास यू डू नॉट हैव टू मेंशन योर रोल नंबर और
your baby days, anything like that right now. Just concentrate on the class and answer to what I'm answer to the question that I've asked you. Three. बच्चे lake, well, tube well, pond, waterfall. बच्चे अपने टेक्स्ट बुक में आपकी जो एक्टिविटी थी ना जिसमें आपको टिक मारने के लिए बोला था राइट कौन कौन से ऑप्शन पे आपने टिक किया है द सोर्सेज ऑफ वाटर विच यू फाइंड इनसाइड एंड नियर योर हाउस नेम देम राइट टाइप इन द कमेंट सेक्शन टाइप देम इन द कमेंट सेक्शन टैप टैन अक्षय तिवारी ओके टैप रिवर हैंडपंप तन्वी बच्चे आप कहाँ रहते हो आपके घर के पास में रिवर है ठीक है बच्चे टैप टंका अक्षित से उत्तर रशी टैप बच्चे यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं जिसमें लाइक अगर आप सारे ऑप्शंस को गो थ्रू करते हो तो उसमें से टैप टैंक अगर हम गांव में रह रहे होते हैं बच्चे वहां पे अभी भी लाइक हैंडपंप यूज किए जाते हैं इफ द वेल इज फार अवे फ्रॉम द होम दे विल हैव अ हैंडपंप एट देयर इनसाइड देयर हाउस काफी सारे वाटर सोर्सेज जो होते हैं हमारे घर के आसपास मिल जाते हैं जैसे कि लेक लेक पॉन्ड वाटरफॉल वाटरफॉल के पास में ही घर हो सकता है इफ अ रीजन इज वेरी इफ इट इज लाइक गांव का एरिया है तो वहां पे वाटरफॉल मिल सकता है आपके घर के पास में रिवर और स्ट्रीम हमेशा कुछ डिस्टेंस पे मिलेंगे आपके घर से क्योंकि रिवर्स और स्ट्रीम का एक उनके पास रहने का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर वाटर फ्लो रिवर का बढ़ जाएगा तो आपका घर तो सबमर्ज हो जाएगा ना सानवी कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास बच्चे सी की बात करें बच्चे तो इट विल बी सम पीपल हैव देयर होम नियर टू इट बट फिर भी थोड़ा बहुत डिस्टेंस रहेगा सी से हॉट वाटर स्प्रिंग्स मोस्टली पीपल गो टू हॉट वाटर स्प्रिंग्स व्हेन दे सफरिंग फ्रॉम सम एलियन अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम है जॉइंट में पेन है स्किन इन्फेक्शन है तो इस तरह से किडनी अगर ने ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वो जाते हैं एंड काफी माना जाता है कि व्हेन यू टेक बाथ इन दैट हॉट वाटर यू गेट रिलीफ ऑफ अ लॉट ऑफ पेन गुड मॉर्निंग मैम Rushik, what are you doing? Mom, yes. Mom, you can do without water or you can not do without or water more or less or water from where ye notebook mein karna hai, bhi karna hai. Now children, let's come to another question. Which follows this activity. Have you ever seen hot water coming out of ground? Bache, iska answer aap apni textbook mein likhoge. If you have seen hot water spring, you will write yes. But it's most of you must have not been to that place. Agar aap gaye ho bache, just type why in the comment section. Is there anyone who has experienced hot water spring? Excuse me, children. My mummy, main chal gayi. Haan.
Is there anyone who had experience taking bath in hot water spring? Okay. So most of you will write the answer. मैम बुक में लिखना है कि नोटबुक में? मैम बुक में लिखना है या नोटबुक में? मैम बुक में लिखना है या नोटबुक में? Now this answer would be either yes. Ma'am, book me likhna hai ka notebook mein? If you're not seeing, you have to unmute it. If you have to see it, then yes, you do it. No. Yes, I have. Ma'am. Or, I have not. Ma'am, book me likhna hai ka notebook mein? Ma'am. Or, water. ना बच्चों, मैंने आपको गूगल क्लासरूम पे नोट्स दिए थे हॉट वाटर स्प्रिंग के. हैव यू रिटन दैट इन योर क्लास वर्क नोटबुक? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन नोट्स अबाउट हॉट वाटर स्प्रिंग इन योर नोटबुक? जस्ट गिव मी अ थम्स अप. जस्ट गिव मी अ थम्स अप लाइक दिस. How many of you were able to find the notes related to hot water spring? Ishita, बच्चे आपको मिला था? बच्चे आपने नोट्स लिखे? You seem so confused. गूगल क्लासरूम पे जाओगे ना बच्चे, तो फिर आपको नोट सेक्शन में मिलता. वहां पे मैंने नोट्स अपलोड किया था. आई हैव अपलोडेड अ फोटो अबाउट हॉट वाटर स्प्रिंग. आप उस पे जाके लिख सकते हो. व्हाट इज अ हॉट वाटर स्प्रिंग बच्चे? इट इज अ नेचुरली अकरिंग वाटर. बच्चे बहुत सारे वाटर कई बार ऐसा होता है कि ग्राउंड के अंदर से निकलते हैं. That water gets hot because of the lava. धरती के अंदर भी लावा होता है. हो सकता है कि वो उन रॉक्स के ऊपर से गुजर रहा हो जो कि उस लावा के बहुत करीब हो, तो इसलिए वहां का टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा ना कि जो पानी उसके ऊपर से गुजर रहा है, that is hot. Now, what can be इसके काफी एडवांटेजेस भी होते हैं. Now, the temperature of the water could be 21 degrees Celsius is not a very high temperature. But agar water jo hai, it is very near to that lava. Okay? Suddenly the temperature of the water can rise. Yani suddenly aisa ho sakta hai ki you are taking bath in a hot water spring aur suddenly jo hai jo pani ka jo temperature hai wo increase ho jaye. You might burn yourself. Aise accidents ho sakte hain. Now, there's a question. Does any river flow through your village or city? Yes, right its name. Bachche, how many of you have visited the dam which is near to which is in Rawatbhatta? Just give me a thumbs up or write why in the comment section. Main book mein karna hai ki notebook mein? Main book mein karna hai ya notebook mein? बुक में करना है या नोटबुक में? मैम ये बुक में करना है या नोटबुक में? अदित
Advik is very excited in the class, huh? Advik, please concentrate on the class. कोई रिवर का नाम आपको पता है तो प्लीज टाइप इट मैम साइड प्लीज पुट द पेंसिल इन योर माउथ सानवी डू नॉट पुट पेंसिल इन योर माउथ बच्चे मैम साइड प्लीज चंबल रिवर ओके एनी अदर some names of river Ganga, Yamuna. Everyone is so aware of Chambal River, but none of Man, like, side, please. Other rivers का तो पता ही नहीं है बच्चे को. चलो let's go. मैम, 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 मैम
के लिए ग्रामर कुछ नहीं लिख रहा हूँ Children, please write. Please write this answer. This is the answer to the question. If you know the names of some of the rivers, so you can write the name of the rivers in your classbook notebook. Sorry, in your textbook notebook. Madam. Yeah. Madam. Done, ma'am. Singer. Done, man.
इसकी लग रही है ना, इसकी लग रही है। बच्चे, are you done writing this in your notebook? Give me a thumbs up if you're done this in your notebook. And then. मेरा हो गया। मेरा नहीं हुआ। Let's come to some of the questions that follows. We've written the name on the rivers. Now, please. On the page number 21, children. On page number 21, there are certain questions you have to get. No, madam. I'm not going to tell you. Chambal. Mommy, I'm going to tell you. पापा, सबसे छोटी रिवर कौन सी है? सबसे छोटी? हाँ। क्या? रिवर। At home, where do you get drinking water from? Please tell me, बच्चे, आपके घर में drinking water आप कहाँ से लेते हो? What is the source of water for you, Sanvi? बच्चे, what happened? Where is your attention? Dad. खुशी, थोड़ा कैमरे से थोड़ा दूर बैठो बच्चे। वैभव, what are you doing? Lem tube well. Pay attention in the class. Lem tube well. Water tap, okay? Okay, ma'am. Tap and RO. बच्चे टैप में से पानी निकालते हैं और फिर उसके बाद में वो आरओ में जाता है। आरओ इज बेसिकली वाटर फिल्टर करने के लिए होता है, इसकी इंप्योरिटीज निकालने के लिए होता है। प्रदर्श, वेयर आर यू? प्रदर्श, वेयर आर यू? मासी, okay, I can't see you, बच्चे, video on कीजिए अपना। Okay, the answer to the first question will be tap. We all get water from the water tap. That is, when we have Nago, water tap. Do you have to go far to get water? How much time does it take you to bring the water? No. We do not have. Ma'am, don't mean to go far. Get water. How much time does it take to bring the water? How much time does it take to bring the water? We get water in few seconds. Or you can write, water supply is 24 hours available.
मैम मेरे को बुक में लिखने हैं और आंसर भी. Now, what is the third question, children? Do your neighbors bring water from the same place? Yes, we all live in a society, children. जहाँ पे the buildings are similar, the waters are similar, the water supply that is coming to our house is similar. मैम ये क्वेश्चन इसके आंसर नो डिस्कस करने हैं. My neighbors. बेटा वो देख लिखे कितना फर्क है. मैम बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा. Ask us one question. Why do we need to store water? Now water supply बच्चे 24 hours हमारे घर में रहती है, but फिर भी हम क्या करते हैं? We store some water. That like हमारे आरों में कुछ पानी जाके store होता है. We use that stored water for drinking purpose. बच्चे यहाँ पे मैंने कोई storage capacity घर पे मेरे घर पे नहीं देखी है. And I believe कि आप लोग is there anyone जिसके घर पे 24 hours की water supply नहीं है? बच्चा ऐसा है जिसके घर पे 24 आवर्स वाटर सप्लाई नहीं है, यानी पूरे दिन पानी नहीं आता है आपके घर पे? कोई है ऐसा बच्चा? जस्ट रेज द हैंड. सो आई बिलीव एवरीवन इज हैविंग वाटर सप्लाई फॉर 24 आवर्स एट देयर प्लेस. नाउ हमें वाटर को स्टोर करने की क्यों जरूरत है बच्चे? You need to understand that not everyone is as blessed as us. हर किसी के घर में वाटर सप्लाई 24 आवर्स नहीं. हम जो है चंबल रिवर के इतने पास रहते हैं, दिस वहां पे रिजर्वॉयर है, दैट वाटर इज बीइंग सप्लाइड टू अस. एंड क्योंकि वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, एवरीवन इज एबल टू गेट वाटर एट देयर प्लेस एट फॉर 24 आवर्स, है ना? बट सारी प्लेसेस तो रिवर्स के पास में नहीं होती है, तो दे हैव टू यूज द ग्राउंड वाटर. तो वहां पे क्या होता है बच्चे, केस ऐसा होता है कि देन दे विल यूज हैंड पंप्स, ट्यूब वेल्स टू गेट द ग्राउंड वाटर आउट. एंड इन दोस प्लेसेस दे विल स्टोर. नाउ प्लेसेस व्हिच हैव व्हिच फेस स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, इट्स टू मच ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर. जब रेन्स आती है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है. दे हैव लाइक डीप वेल्स एट देयर होम जिसमें वाटर कलेक्ट किया जाता है. सो वाटर इज स्टोर्ड so that it can be used judiciously. Like I say, वहां पर भी we have a tank that is constructed below our house. क्यों? Because we know कि हमको पानी जो है ग्राउंड वाटर से निकालना होगा, तो उसको स्टोर करेंगे, तब जाके क्या है कि हम और हमारे जो रेंट अपार्टमेंट में लोग रहते हैं वो अच्छी तरह से पानी को यूज कर पाएंगे. और वहां पे भी पानी टाइम से आता है. जिस टाइम पे भी पानी आएगा यू हैव टू वेट. कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चे की रात के 2 बजे पानी आता है, बट जब हम लोग इनिशियली 2016 में वहां पे शिफ्ट किया था तो पानी रात के 11 बजे आता था, पहले 11 बजे आता था, फिर 1:30 बजे आने लग गया. तो यू नो दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस. जो भी फैमिली मेंबर जगह रहेगा उसकी तो नींद खराब होगी. और कुछ प्लेसेस ऐसी भी होती है बच्चे कि जहाँ पे लोगों को लाइन लगानी पड़ती है, जब समर्स में पानी बहुत स्कैर्सिटी की, पानी की काफी स्कैर्सिटी हो जाती है, वाटर टैंक सप्लाई किए जाते हैं, वहां पे लोग बकेट्स लेके छोटे छोटे ड्रम्स लेके सैंड के सामने लाइन लगाते हैं सो दैट दे कैन गेट वाटर.
So we store water. You write an answer to this. Write the answer to this question. We store water for future use. मैम पोती दिख रही है मैम मैम दी मैम बोलती है कुछ बन रहा है हाँ बेटा जो बन रही है मतलब उस क्वांटिटी का यूज मतलब अगर आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर विद मी Okay. I'm drinking it full. I'm using it judiciously. Yes. If I'm not using shower to take bath, I have a bucket of water with me, I fill it half. I fill the bucket half with water. I empty it while taking bath, and then if I require more water, I will fill it again. Am I using the water judiciously? है ना बच्चे? ऐसा नहीं है कि पूरी बाल्टी आप एक बार में भर दो और फिर उसके बाद में बाथ लेते टाइम यू रियलाइज कि यार इतने पानी की तो मुझे जरूरत ही नहीं थी बट दैट वाटर विल गेट वेस्टेड इफ यू थ्रो इट इट विल गेट वेस्टेड बट यू कैनॉट यूज दैट वाटर ऑल्सो इट बिकम इट कैनॉट बी यूज फॉर अदर पर्पसेस ठीक है बच्चे सो बच्चे विल पुट एन एंड टू दिस सेशन Ma'am, would you? There are only 27 people who have joined the session. Why? Why is this so? Why such less attendance today, children? Ma'am, please side. Ma'am, board को थोड़ा right side कीजिए. Answer को आइए. Ma'am, please side. मैम बोर्ड को थोड़ा राइट साइड कीजिए मैम थोड़ा राइट तरफ होना जरा मैम साइड प्लीज ठीक से बोर्ड नहीं दिख रहा है मैम बोर्ड बेटा वो जो चिल्ड्रेन अनाउंसमेंट कुछ है आपके लिए कि साइंस एग्जीबिशन होने वाला है यू मस्ट हैव रिसीव्ड द मीडियम ऑन योर रिस्पेक्टिव क्लास ग्रुप्स प्लीज पार्टिसिपेट यू नो आप थीम जो थीम्स आपको दी गई हैं उस पे भी बना सकते हो आउट ऑफ द यू कैन गो आउट ऑफ द थीम एंड मेक जिसको भी बनाने में भी इंटरेस्ट हो ना इफ यू आर नॉट एबल टू गॉज आपको नहीं समझ में आ रहा क्या बनाना चाहिए प्लीज ड्रॉप अ मैसेज टू मी प्लीज ड्रॉप योर आइडियाज टू मी आई विल मेक श्योर दैट यू आर एबल टू मेक द प्रोजेक्ट प्लीज बच्चे दिस इज फॉर यू यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोजेक्ट दिस साइंस एग्जीबिशन ठीक है लेट्स गेट कनेक्टेड एंड कम अप विद अ गुड प्रोजेक्ट ओके यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर गेट कनेक्टेड टू मी विल फिगर आउट व्हाट कैन बी मी मैम प्लीज टाइप बच्चे जल्दी नोट डाउन कर लो यार जल्दी करो मैम ये आंसर अभी लिखने हैं नोटबुक में और उनके क्वेश्चन भी लिखने हैं हट गई मैम सर आवाज कम कराओ ना क्यों आवाज कम कराओ मैम एंड वन के बाद क्या है एंड वन के बाद क्या है मैम एंड वन के बाद क्या है एंड ऑल के बाद क्या है मैम एंड ऑल
बोल के बाद क्या है? आज बच्चे क्लास का टाइम खत्म हो गया. आई होप एवरीवन ऑफ यू हैव रिटन दिस. अच्छे जिन्होंने नहीं लिखा है जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. मम्मी अजीब साइन कर रही है. बच्चे ये क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है, आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, तो आपको सिर्फ आंसर लिखने की जरूरत है. प्लीज राइट द आंसर्स इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. डन मैम. देयर इज नो नीड टू राइट दिस आंसर इन योर क्लासबुक नोटबुक. जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको क्लासबुक नोटबुक में लिखने की जरूरत होती है वो मैं आपको बताती हूँ बच्चे. रादर देन राइटिंग द टेक्स्ट बुक आई वुड हैव रिटन क्लासवर्क नोटबुक अगर आपको क्लास में लिखना होता तो. मैम ये क्वेश्चन की आंसर है. बाय मैम. बाय मैम. ये क्वेश्चन की आंसर. मैम ओके चिल्ड्रन. मैम ये क्वेश्चन की आंसर. लेट्स एंड टुडे सेशन. I hope whatever I took in this session is clear to you. If you hold any doubt, please let me know in tomorrow's session. Thank you, children. Ma'am, aur ek sawal ki baat kya hai? Ma'am. Bye, ma'am.